आज फिर आपका मित्र, फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, आज का नया टॉपिक है बिहेवियर ऑफ एसिड विद वाटर, एसिड बेस। आपने सुना था एसिड बेस, बेस OH होगा उसके अंदर, OH, ठीक है। जब हम उसको पानी से मिलाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है, क्योंकि आयंस बन जाते हैं उसके अंदर। तो हम उसको जो पानी में मिलाते हैं और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, आप ये देखिए NaOH, H2O, Na++, OH-, ठीक है। ये दो में डिवाइड हो गया और ये कंडक्टिव होगा करंट का, जिसमें आयंस है कंडक्टिव ऑफ कंडक्टिविटी होगी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की, जो हम प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर जाएंगी। KOH, इसको भी ऐसी होगा K+, OH-, MgOH होल ट्वाइस इक्वल टू Mg2++ OH-, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड CaOH होल ट्वाइस इक्वल टू Ca++ OH, और पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम, उसके बाद समझो ये होते हैं, आयंस में बदल जाते हैं। अब कुछ तो बहुत सारे का सारा मतलब बेस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ का कुछ पार्ट कन्वर्ट होगा, तो हम इसके बेस पे इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो सारा का सारा ही आयंस में कन्वर्ट हो जाए, पानी में घोलने पे सारा का सारा घुल जाए, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इजिली इन टू आयंस, जैसे NaCl इज इक्वल टू Na++Cl-, ओ सॉरी NaCl कहाँ से आ गया, NaOH टू Na++OH-, ये हो गया स्ट्रॉन्ग। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फुल फ्लो करेगी, वीकली बेस NH4OH, NH4 OH-, ठीक है जी, NH4 और OH-, ये हो गया। ये वीकली होता है क्योंकि ये थोड़ा बहुत बैठ जाता है नीचे बेस में, ये पूरा का पूरा वाटर में नहीं घुलता, तो ये इस तरह से रहता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देख लो,
ये भी नीचे बैठ जाता है थोड़ा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हुए? स्ट्रॉन्ग बेस NOH, KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस हुए। वीक बेस NH4, OH, CA, OH hold twice, MG, OH hold twice, and calcium, magnesium, copper hold twice, ये सारे के सारे वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। बोर्ड गंदा हो रहा है, चलो साफ करते हैं। अब टॉपिक है बेस एंड एल्कली। कॉमनली तो हम एक चीज कहते हैं कि बेस एल्कली एक चीज है, लेकिन नहीं, थोड़ा अंतर होता है। जो हम वाटर में बोलते हैं, जो सोल्यूबल होते हैं सुनते हैं, मतलब कंप्लीटली सोल्यूबल है, तो उसको कहेंगे, पहले तो देखो कि बेस क्या है। बेस प्लस एसिड इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, ये बनता है। ये आपको मेन चीज ध्यान रखनी है कि जब भी बेस एसिड से मिलेगा साल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा, वाटर बनेगा साथ में, ठीक है। जब भी बेस मिलेगा तो इसमें ओ एच माइनस आयन होते हैं, ये होते हैं ओ टू माइनस, जैसे एन ए टू ओ, सी ए ओ, सी यू ओ, ये इनमें होते हैं। देखो जी एन एच फोर ओ एच, ये सारे के सारे आ गए, है ना, हाइड्रोक्साइड होते हैं। जो बेस पानी में घुल जाता है, वाटर से रिएक्शन करता है और आयंस देता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन देगा, ठीक है, उसको हम एल्कली कहते हैं, उसको एल्कली कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे एल्कली है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जो भी मतलब आयंस देगा उसको हम एल्कली कहेंगे। और वैसे तो हम ये कहते हैं कि जो सोल्यूबल होता है ना, ये दिमाग में डालने की बात है, कीप इन योर माइंड दैट द बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर वो क्या होता है, एल्कली, एल्कली होता है वो, हम एल्कली कहते हैं उसको, जो सोल्यूबल इन वाटर होता है। जो इनसोल्यूबल होता है उसको नहीं कहते हैं। यूज ऑफ बेस, अब बेस का यूज क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कपड़े धोने का साबुन आपके घर में है ना, सोप वगैरह में यूज होता है, रिफाइनरी में यूज होता है, फैब्रिक्स वगैरह में है ना, पेपर में यूज होता है, ये कई जगह यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होगा, एल्कली बैटरी, बैटरी में यूज होता है, एल्कली बैटरी आती है ना, एल्कली बैटरी, एल्कलाइन बैटरी होती है वो, उसमें यूज होगा। अच्छा एल्कलाइन बैटरी में यूज होगा। तो अब ये पोटेशियम एल्कलाइन बैटरी में यूज होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया ब्लीचिंग पाउडर बनाने में,
हार्ड वाटर न्यूट्रलाइज्ड एसिड एंड सोयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आता है, खेती में भी काम आता है। और वैसे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड है, एंटासिड की टैबलेट बनती है जो उसमें काम आता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिमूव गैस स्टेन, क्लोथ पे स्टेन लग जाए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डाल देते हैं उसमें तो स्टेन हट जाते हैं गैसेस। सोडियम कार्बोनेट वाश सोडा एंड सॉफ्ट ड्रिंक हार्ड वाटर, वाटर को प्योरीफाई करने का काम आता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग मैंने आपको बताया, ठीक है। अब है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा है, घर में यूज होता है खाने की चीज़ में, है ना, फुलाने के लिए उसे फूड को, कुकिंग को, और उसमें कुकिंग वगैरह में फूड होता है, बेकरी में यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये बढ़िया टॉपिक था, आपको कैसा लगा आप बताइएगा, अच्छा लगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और अच्छी बात है सपोर्ट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।